हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए अगला पार्ट शुरू करते हैं हम लोग अपना रिमाइंडर थ्योरम का। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी चीज़ें। तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था कि कोई भी सपोज एक नंबर है, इस नंबर को अगर मैं किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करता हूँ, सपोज 44 को 13 से डिवाइड किया, तो 44 दो तरीके के रिमाइंडर्स हमें यहाँ पे दे रहा होगा। एक रिमाइंडर पॉजिटिव होगा, एक रिमाइंडर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, तो जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं 44 डिवाइड बाई 13 करेंगे तो हम क्या करेंगे, 13 थी 39, बाकी जो बचा कितना बचा, 5 बचा, ये मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। और अगर नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए तो क्या करेंगे, जो 13 की टेबल है उसको एक बार और आगे तक काउंट करेंगे, 13 3 49 था, 13 4 52, 13 4 52, तो 52 कितना आगे निकल गया, 52 इससे, 44 से निकल गया 8 आगे, तो ये हो गया मेरा क्या, नेगेटिव रिमाइंडर। ये चीजें हमने कल देखी थी। अच्छा, एक चीज और डिस्कस करी थी, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर की जो वैल्यू है, न्यूमेरिक सम इनका इस नंबर के बराबर होगा, 8 और 5 13। मैंने बोला था इस जो नेगेटिव साइन है या यहाँ पे पॉजिटिव है इससे मतलब नहीं, मैं केवल नंबर्स के सम की बात कर रहा हूँ, तो इतना होगा। तो इसी के बेस पर हमने ऐसे भी देखा था कि अगर कोई एक एन नंबर है, मैं उसको 17 से डिवाइड करता हूँ, और मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि एन नंबर को जब मैंने 17 से डिवाइड किया तो पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होने चाहिए, तो भी नेगेटिव रिमाइंडर होने चाहिए कितना, -9। क्यों होना चाहिए -9, क्योंकि 8 और 9 कितना होगा, 17। भाई पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर इन दोनों की जो वैल्यू का सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मेरा डिवाइजर के बराबर होना चाहिए, भाजक के बराबर होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये चीजें हमने डिस्कस की हुई थी, ठीक। अच्छा, एक चीज और डिस्कस की थी, उसी पे बेस्ड हम आगे आज क्वेश्चन कर रहे होंगे। ऐसा डिस्कस किया था कि सपोज अगर मुझे ऐसे करना है, 13 मल्टीप्लाइड बाई 13, ठीक। अब ये सपोज ये नंबर है और मुझे इसको 6 से डिवाइड करना है, ठीक। अब आप एक बात बताओ, 13 × 13 × 13 अगर मैं पूरा मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिखूं, फिर 6 से डिवाइड करूं, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो क्या बोला गया था, आप इनको इंडिविजुअली डिवाइड कर लो, ठीक है। तो जो एक बात बताओ, जब मैं 13 को 6 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, 1, पॉजिटिव का 1। इस 13 को भी 6 से डिवाइड करूंगा तब भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 आएगा, तो 1 × 1 × 1 × 1 कितना हो जाएगा, बोलो मेरा 1 ही आएगा। तो 13 × 13 × 13 × 13 जब 4 बार मल्टीप्लाई करके मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, ठीक। इसी पे बेस्ड हम कुछ आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं आज। सपोज मैंने एक क्वेश्चन बोला, 83 मल्टीप्लाइड बाई 84 मल्टीप्लाइड बाई 86 मल्टीप्लाइड बाई 87, और इसको अगर मुझे डिवाइड करना है 17 से। अब देखो यहाँ पर समझने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कहाँ पर मुझे नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करना है और कहाँ पर मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज करना है। ध्यान से देखेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर के यूज को लेकर ऐसा कोई रूल नहीं है। क्या डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि जिसमें नंबर छोटा आ रहा होगा, जो रिमाइंडर छोटा आएगा मैं उसको लेना प्रेफर करूंगा, बिकॉज उसकी वजह से मेरी जो कैलकुलेशन है वो क्या होगी, इजी होगी। देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं इस 83 को 17 से डिवाइड करूंगा तो 17 चौके कितना होता है, 68, और 17 × 85 है ना, 17 × 4 = 68। अब 17 × 4 करूंगा अगर 68, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा मेरा 15, जो एक बड़ा नंबर है, तो मैं 15 रिमाइंडर नहीं लूंगा, पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं लूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 17 को 5 टाइम्स टेबल काउंट करूंगा, 17 × 85, तो यहाँ पे 83 से कितना आगे निकल गया, 2, यानी कि मैं यहाँ पे रिमाइंडर लूंगा -2। ये -2, ये देखिए 2 छोटा नंबर है, तो 2 से मुझे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना कंपैरेटिवली इजी है अगर मैं यहाँ पे 15 ले रहा होता। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे 84 को 17 से डिवाइड करेंगे, -1 यहाँ पे रिमाइंडर, क्योंकि 17 × 85 से 1 कम है। इधर पे आएगा +1 रिमाइंडर और इधर पे आएगा +2 रिमाइंडर, 17 × 85 और 1 = 86 है, सॉरी ये प्लस आएगा, ये +1 और ये +2 आएगा। तो मैंने क्या किया, चारों नंबर को इंडिविजुअली 17 से डिवाइड कर दिया और देख लिया कि इनके अब जो भी ऑपरेशन इन नंबर्स के बीच में हो रहे थे वही ऑपरेशन होंगे किसके बीच, जो जो रिमाइंडर्स आए। तो भाई मल्टीप्लाईजन में तो 2 × 1, अब दोनों माइनस के नंबर हैं तो दोनों माइनस के नंबर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, प्लस के। तो -2 × -1 हो जाएगा +2 + 2 × 1 और × 2, तो फाइनली हमारा क्या आ रहा होगा, 4 यहाँ पे जो है रिमाइंडर आ जाएगा। या फिर ऐसे कह दें, 83 × 84 × 86 × 87 को जब आप 17 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा हमारा, 4 आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी चीजों को हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज और डिस्कस की हुई थी लास्ट क्लास में कि अगर मैं कोई भी ऐसे क्वेश्चन लिखता हूं कि मैंने बोला 62 मल्टीप्लाइड बाई, सपोज मैंने बोला 12, ठीक।
अब 62 मल्टीप्लाइड बाई 12 किया, सबको पता है कि हमारा यहां पर रिमाइंडर 2 आने वाला है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि 62 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मेरा जो रिमाइंडर आ रहा है वो सपोज इतना आ रहा है, 14 आ रहा है, तो इस पर इसका मतलब है साफ साफ मैं कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूं या फिर मैं कहीं ना कहीं गलत बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी नंबर से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा जो भाजक है उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या तो रिमाइंडर जीरो होगा, पूरा पूरा कट रहा है तो जीरो होगा। तो रिमाइंडर जब मैं 12 से इस नंबर को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 12 से बड़ा नहीं हो सकता, इनफैक्ट 12 भी नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा 12 से 12 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 14 रिमाइंडर मेरा नहीं होगा, 14 मैंने हो सकता है ऐसे गलती कर दी हो कि 12 इंटू 4 किया हो तो 48 और बाकी मैंने 48 के बाद रिमाइंडर लिख दिया हो। तो ये चीजें क्या है, यहाँ पे गलत है, इसको हमें फिर से डिवाइड करने की जरूरत थी, ठीक है। एप्लीकेशन देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम और अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज मैंने ऐसे बोला 61 मल्टीप्लाइड बाई 62 मल्टीप्लाइड बाई 63 मल्टीप्लाइड बाई 65 और इस नंबर को मुझे 12 से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है, ठीक। तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने क्या किया, इंडिविजुअली एक एक नंबर को 12 से डिवाइड करना शुरू किया। 61 को 12 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर यहां 1 आएगा, सॉरी प्लस का 1 आएगा, इधर प्लस का 2 आएगा, ठीक है, इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा, ठीक है, इधर कितना आएगा बोलो, 3 आएगा, और इधर कितना आएगा बोलो, 5 आएगा। सिंस नंबर जितने भी नंबर हैं इन सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो जो इंडिविजुअल रिमाइंडर्स आए इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 × 3 15 × 2 30, ठीक है, तो 30 आ रहा है हमारा रिमाइंडर। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया था, क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि 61 इंटू 62 इंटू 63 इंटू 65 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 30 आएगा? नहीं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। जब भी मैं 12 से किसी नंबर को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए, 12 से छोटा आना चाहिए, लेकिन यहां पर रिमाइंडर 12 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो ऐसी अगर सिचुएशन आती है 12 से बड़ा, तो इस नंबर को मुझे क्या करना होगा, फर्दर 12 से इससे डिवाइड कर देना होगा, और 12 से हम इसको फिर से डिवाइड कर देंगे तो अब हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा बोलो, 6 आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाई, दैट इज व्हाट माय करेक्ट आंसर। होप दिस इज क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर बेस्ड। सपोज मैंने ऐसे बोला कि 92 मल्टीप्लाइड बाई 93 मल्टीप्लाइड बाई 94 और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, सपोज 15 से डिवाइड करता हूं, ठीक, तो बताओ भी रिमाइंडर क्या आएगा। तो 92 को मैंने 15 से डिवाइड किया, पॉजिटिव का 2 रिमाइंडर आया, यहां पॉजिटिव का 3 रिमाइंडर आया, यहां पॉजिटिव का 4 रिमाइंडर आया, ठीक, 4 × 12 × 2 क्या हो गया, 24। अब एक चीज तो क्लियर है यार, मैंने इस नंबर को 15 से डिवाइड किया था और 15 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा जो रिमाइंडर है वो 24 नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। तो 24 नहीं हो सकता, इसका मतलब फिर करना क्या है, 24 जो नंबर है मेरा इससे बड़ा है, तो अगर नंबर बड़ा आ रहा है तो इससे हम फिर से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। फिर से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, 24 / 15 क्या आ गया बोलो, 9 रिमाइंडर आ गया, जो कि मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर। चले और क्वेश्चन को समझ के देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने सपोज ऐसे लिया 37 मल्टीप्लाइड बाई 38 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 41 मल्टीप्लाइड बाई 42, इस तरीके से मैंने कोई एक नंबर लिया और अगर मुझे इसको डिवाइड करना है 13 से, तो बताओ भी रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक, चलिए करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। अभी हम पे डिपेंड करेगा कि हमें कहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर लेना और कहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर लेना। देखिए जरा, मैं 13 से अगर इस 37 को डिवाइड करूंगा तो 37 को 13 से डिवाइड करने पे क्या होगा, 13 × 39 39 के ज्यादा करीब है। मतलब मुझे ये देखना है कि 13 की किस मल्टीपल के ज्यादा करीब ये नंबर है, वहां पर देखूंगा। भाई 13 × 26 करूंगा तो 26 के हिसाब से तो यहाँ पर रिमाइंडर 11 आएगा, जो कि एक बड़ा नंबर होगा। यहाँ पर 11 आ जाएगा रिमाइंडर, 13 × 26 यहाँ पे 12 आ जाएगा रिमाइंडर, है ना, अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर लूंगा तो। अब 11 × 12 करो तो थोड़ा सा क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं लेके 13 × 39 यानी कि 39 से कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ पे क्या हो गया बोलो, माइनस का 2 रिमाइंडर। ऐसी 13 × 39 ये 39 से 1 कम है, यहाँ पे माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे मैंने माइनस का रिमाइंडर लिया, यहाँ भी माइनस का। अब यहाँ पे देखो 40 है, 13 × 39 39 से जस्ट एक बड़ा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव का रिमाइंडर लूंगा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं लूंगा। ऐसा नहीं कि 13 × 4 52 कर दिया मैंने, 52 कर दिया, 52 से फिर मैं -12 रिमाइंडर ले रहा हूँ। नहीं, जो सबसे छोटा रिमाइंडर आ रहा है वो, बार बार चीजें डिस्कस हो रही है, यहाँ पे आएगा +2 रिमाइंडर, ऐसे यहाँ पे आएगा +3 रिमाइंडर, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। अब देखो ये नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 4 × 3 कितना हो जाएगा बोलो,
12 हो गया, क्योंकि ये वाला नंबर हमारा इससे छोटा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। अगर ये 12 से ये नंबर जो है 13 से बड़ा आ रहा होता तो क्या करते हम इसको फिर से 13 से डिवाइड करके करेक्ट आंसर पता कर लेते। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और समझ के देखते हैं, इसमें थोड़ा सा हम अलग कॉन्सेप्ट ले रहे होंगे। सपोज ऐसा बोला मैंने बोला कि मुझे एक नंबर को डिवाइड करना है, सपोज वो है 92 मल्टीप्लाइड बाई 93 मल्टीप्लाइड बाई 94 और इसको मुझे डिवाइड करना है 19 से। अब क्या करें, कैसे करें? तो मैंने देखा कि 19 की जब मैं टेबल काउंट करूंगा तो 19 इंटू 5 कितना होता है 95, 95 ये तीनों नंबर 95 के करीब है, तो 90 और चूंकि 95 से क्या है तीनों छोटे हैं तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर मैं 19 इंटू 4 करूंगा तो 19 इंटू 4 हो गया कितना बोलो 76, तो 76 के हिसाब से हर जगह रिमाइंडर क्या होगा बड़ा होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर बड़ा होगा, तो मैं नेगेटिव रिमाइंडर को ही प्रेफर करूंगा। तो 19 इंटू 5 19 पंचे 95, ये 95 से कितना कम है बोलो 3 कम है, यानी कि यहाँ पे आएगा -3 रिमाइंडर, ऐसे यहाँ पे -2 रिमाइंडर आएगा और यहाँ पे -1 रिमाइंडर आएगा। होप दिस इज क्लियर। चलिए अब तीनों नेगेटिव के रिमाइंडर है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 इंटू -2 इंटू -1 कितना हो गया बोलो 3 दूनी 6, 6 एकम 6। अच्छा तीन बार माइनस आया है साइन, इसका मतलब ये वैल्यू जो रहेगी हमारी वो क्या रहेगी माइनस की रहेगी। होप दिस इज क्लियर। अच्छा एक चीज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि हमारा रिमाइंडर जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। आई होप रिमेंबर आपको वो चीज याद है कि कभी भी नेगेटिव में रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो हमें आंसर किसमें करना होगा पॉजिटिव में करना होगा। अब पॉजिटिव में करना है तो क्या करना है, डिस्कस किया था याद करो आप, मैंने बोला था कि कोई एक एन नंबर है इसको 19 से डिवाइड करें और मैं आपको बोलूं कि नेगेटिव रिमाइंडर अगर मेरा -6 आ रहा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो आपको बताया था कि नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर जो होता है उनकी वैल्यू का सम इसके बराबर होता है, तो 6 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि 19 हो जाए, ठीक है, तो इसमें आप ऐड कर दो कितना बोलो 13 और ये 6 कितना होगा 13 6 19। बार बार बोल रहा हूँ ये साइन से मतलब नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। तो भाई नेगेटिव का जो रिमाइंडर है -6 है, तो नेगेटिव रिमाइंडर को -6 एक काम करते हैं इसको इसमें ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा बोलो 13 मेरा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां से मेरा जो आंसर है वो आ गया। ओके थोड़ा सा और चीजों को डिटेल में लेके चलते हैं, कुछ अच्छे से क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मैंने कोई एक नंबर लिया 192 मल्टीप्लाइड बाई, ये मैं नंबर ले रहा हूँ आपका जो क्वेश्चन है वो SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, SSC CGL में 2013 में आई गेस क्वेश्चन आया हुआ है। 192 मल्टीप्लाइड बाई मैंने यहाँ पे लिया 37 मल्टीप्लाई बाई 1953 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 1956 ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मुझे क्या करना है 19 से डिवाइड करना है। टीवी सर का क्वेश्चन है, अब देखिए जरा आपको अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ये ध्यान में रखना है कहाँ पे मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर लेना है और कहाँ पर मुझे नेगेटिव रिमाइंडर लेना है, ठीक है। अब देखिए 19 का कौन सा मल्टीपल 192 के करीब है, 190 क्या है 19 से डिवाइड हो जाता है और 190 के बिल्कुल पास में, तो जब मैं क्या करूंगा 19 से 192 को डिवाइड करूंगा तो मेरा जो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा, 190 तक कट जाएगा 2 रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव का रिमाइंडर लेना ज्यादा सही है क्योंकि वो छोटा आ रहा है। 19 दूनी कितना होता है 38, ये 37 है, 38 से 1 कम है, इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या लूंगा मैं 1 लूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि 19 से कम 19 और रिमाइंडर ले लूंगा यहाँ पे 18, भाई 37 को 19 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 18 भी तो आ जाएगा लेकिन 18 नहीं लूंगा क्योंकि 18 बड़ा नंबर है, फिर उसके बाद मुझे मल्टीप्लाई करना होगा तो चीजें क्या होंगी बहुत ज्यादा लेंदी हो जा रही है, तो यहाँ पर मैंने -1 रिमाइंडर लिया। ऐसे ही देखिए अब ये है 1953, तो एक बात बताओ 1953 है वो क्या है हमारा 1900 + 53 है, सुनो तो 1900 तो 9 से कट रहे हो, 1900 तो 19 से कट रहा है ना पूरा का पूरा, तो बस ये 53 मुझे देखना है केवल और केवल। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरे को आपको डिवाइड करके नहीं चेक करना है, ठीक है, तो जो 53 है मेरा 53 ये 19 से देखो तो 19 दूनी कितना हुआ 38 और 19 57 57। अब देखो अगर मैं 19 दूनी 38 ऐसे लूंगा तो मेरा यहां पर रिमाइंडर आएगा 15 क्या है चूंकि एक बड़ा नंबर है तो मैं नेगेटिव रिमाइंडर की तरफ जाऊंगा, 93 जा कितना 57, 19 57 तो 57 जो है ये 53 है तो कितना कम है बोलो ये मेरा 4 कम है, इसका मतलब मेरा जो रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव का 4 और ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 1900 तो कट जाएगा, ये 56 देखना है मुझे तो 19 57 ये 56 है, 57 से 1 कम है मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो
नेगेटिव रिमाइंडर वन। यहां पर नेगेटिव का रिमाइंडर लिया, यहां भी नेगेटिव का रिमाइंडर लिया मैंने, यहां भी नेगेटिव लिया और यहां पर क्या लिया पॉजिटिव। इनके बीच में क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दो एकम दो, ठीक है, दो और चौके आठ, तो मतलब क्या हो गया आठ आ गया। अब ये आठ किसका आएगा पॉजिटिव का रिमाइंडर का, एक दो तीन बार नेगेटिव साइन है, तो तीन बार नेगेटिव साइन इसका मतलब क्या होगा बोलो, आंसर मेरा नेगेटिव का आएगा, क्योंकि जब नेगेटिव साइन और टाइम्स आता है विषम बार आता है तो नेगेटिव में रहता है, जबकि ऑड साइन जो जो नेगेटिव साइन है मेरा वो सम बार आता है या फिर कह सकते इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है तो मेरा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। हमने जैसे देखा ना माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन, तो क्या हो जाता है प्लस वन हो जाता है, लेकिन माइनस वन इंटू माइनस वन अगर मैं ऐसे कर दूं तीन बार तो इसकी वैल्यू जो होती है माइनस वन होती है, बहुत बेसिक सी चीज है। तो ये माइनस आठ मेरा आंसर आ रहा होगा, लेकिन एक चीज हमें पता है हम इसको आंसर जो है माइनस एट तो कर नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर तो एडजस्ट करता ही नहीं है और आंसर में मुझे ऐसा कभी मिलेगा भी नहीं, हमें तो आंसर किस में करना है बोलो पॉजिटिव में करना होता है। तो भाई अगर नेगेटिव रिमाइंडर एट है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, इसको एक काम करो इसमें ऐड कर दो प्लस 19 कर दो, माइनस एट प्लस 19 करेंगे कितना आ जाएगा बोलो हमारा ये 11 आ जाएगा। होप दिस इज क्लियर। या फिर मैंने आपको ऐसे भी बताया था कोई एक एन संख्या है इसको 19 से डिवाइड किया, अगर नेगेटिव रिमाइंडर मान लो मेरा 8 आ रहा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो क्या बोला था न्यूमेरिक वैल्यू, तो 8 में ऐसा क्या जोड़ा जाए, साइन से मतलब नहीं होता, 8 में क्या जोड़ा जाए 11 जोड़ा जाए कि 19 हो जाए। होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन। जब तक आप इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के जहां भी आपको मिल रहे हैं आप उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, अगली वीडियो में हम और अच्छी एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा वो आप क्वेश्चन वहां पर पोस्ट कर सकते हो, और किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर कोई डाउट है वो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। चलिए हैव अ नाइस डे।